आइए बच्चों करते हैं एक और बढ़िया सी प्रॉब्लम। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, आपकी साइड लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, तो इससे एरिया कितना आता है ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 × 10⁻²² अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला, ठीक है, डायरेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री टू दी वर्टिकल एज शोन इन फिगर। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों बी ए कॉस थीटा, हमें याद रखना है। अब ये कह रहे हैं फील्ड इंक्रीजेज इट्स फ्रॉम 0 से फाइनल वैल्यू 0.2 सेकेंड में पहुँचा है, तो आपका फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं पहले। तो 0.5 आपका क्या है बच्चों, 0.5 मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एरिया कितना है, एरिया है 16 × 10⁻⁴ और कॉस 60, दैट इज 5 फाइनल आपका आ गया। अच्छा याद रखिएगा बच्चों ये कॉस 60 ही लेना है या फिर कुछ और है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, एरिया वेक्टर वास्तव में अंदर की तरफ है, तो इट इज़ नॉट 60, दिस इज द कॉस, ये 120 होगा, ये छोटी एक बात थी जो ध्यान देने की है, कॉस 120, दैट इज़ 180 - 60 एंड ये आ जाएगा आपका फ्लक्स यहाँ से निगेटिव का, एंड इट इज़ -8 × 10⁻⁴, ये फ्लक्स आ जाता है बच्चों हमारा। अब अगर फ्लक्स ये आ रहा है हमारा, तो अब चेंज इन फ्लक्स देख लेते हैं। अच्छा कॉस 120 की वैल्यू आती है आपकी 1/2, माइनस का साइन मैंने ले लिया है, तो ये हो गया -4 × 10⁻⁴, तो ये हो गया आपका -4 × 10⁻⁴, डेट इज़ द फाइनल फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स 0 था, फाइनल फ्लक्स हमारे पास है। आगे की बात करते हैं, अब ये कितने 0.2 सेकेंड में चेंज हुआ है, तो आपका एवरेज ईएमएफ बराबर होता है डेल्टा फाई माइनस ऑफ डेल्टा फाई एंड डेल्टा टी। डेल्टा फाई आपका आया -4 × 10⁻⁴ एंड डेल्टा टी इज 0.2, सो इट इज 2 × 10⁻³ विच इज 2 mV एंड दैट इज योर राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। तो चैनल पे अगर बच्चों आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इसी तरीके की आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता रहे सिर्फ आपके चैनल व्युत्पत्ति पर। अगर प्रॉब्लम पसंद आई है तो जरूर कमेंट में लिखें।